एवरीवन, आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी कटलेट। यहाँ पर मैंने पनीर भुर्जी ली है जो कि लगभग आधा कप है। ये पनीर भुर्जी मैंने कैसे बनाई ये आप ऊपर लिंक के थ्रू देख सकते हैं। रोल बनाने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पनीर भुर्जी के कंपोनेंट्स को बाइंड करके रखे, इन्हें बिखरने ना दे। यहाँ हमारा बाइंडिंग एजेंट बनेगा आलू। मैंने एक बॉयल्ड आलू लिया है और इसे मैं ग्रेट करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप चीज़, 1/4 टीस्पून हरा धनिया, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। नमक डालते टाइम भी ध्यान रखें कि हमने पनीर भुर्जी में ऑलरेडी नमक डाला है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और एक डो बना लूँगी। इस डो से मैं किसी भी शेप की कटलेट बना लूँगी। हम एक पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। साइड में हम एक बर्तन में 3 कप मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा पानी करके हम उसका एक बैटर बनाएंगे। हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। जब तेल गर्म हो जाए हम स्टोव को मीडियम मोड पे कर देंगे और हमारे कटलेट को पहले हम बैटर से कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स से, और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमें ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारी अंदर की जो पनीर भुर्जी है वो ऑलरेडी कुक्ड है। हमें सिर्फ इसके आउटर लेयर को कुक करना है। आपको जो कलर शेड पसंद है वो आने तक आप इसे फ्राई करें और उसके बाद इसे सर्व करें। इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई करें और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।